अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अनदर व्लॉग। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। सो आज मेरे गांव में है मेरा सेकंड डे और आज है बारात। सो अभी मैं उठी हूँ तकरीबन 2 बजे दोपहर के। सो अभी मैंने अपने कपड़े वगैरह प्रेस कर लिए, बस अभी मैं जा रही हूँ नहाने। उसके बाद मैंने होना है तैयार क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा लेट हो चुकी हूँ और मेरी मम्मा मुझे इस टाइम डांट रही हैं। खैर जल्दी से नहाने जाते हैं, उसके बाद मैं फिर मिलते हैं आपसे। तब तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें और अच्छे से कमेंट करें। सो मैं फ्रेश वगैरह होकर ऊपर आ गई थी क्योंकि मेरी मामा जान ने मुझे आवाज़ दी थी कि जल्दी से आकर नाश्ता करो, ऊपर टाइम नहीं है। खैर मेरी मम्मा ने बनाई मेरे लिए चाय और नाश्ता ऑलरेडी बन चुका था सबके साथ सुबह, तो अभी बस नाश्ता करना है, उसके बाद होना है रेडी। और मैं माशाल्लाह से उठी ही 2 बजे थी और अभी इस टाइम हो रहे हैं 2:30 और 3 से 5 मेरे ख्याल से हॉल का टाइम है और मैं बड़े आराम से चाय पी रही हूँ। असल में ना थोड़ी बहुत गर्मी है तो दिल नहीं चाह रहा कहीं जाने को, तो इसलिए खैर अभी जल्दी सोते हैं रेडी। सो मैं नाश्ता वगैरह करने के बाद नीचे आ गई थी सो क्योंकि पहले हो रहा था, अभी जल्दी से रेडी रेडी होने के बाद मिलते हैं आपसे। सो फाइनली मैं रेडी शेडी हो चुकी हूँ और हम ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लेट हो चुके हैं। खैर मैं खुद भी रेडी हो चुकी थी और अपनी मामा जान को भी रेडी कर दिया था, बस उनकी हेयर स्टाइलिंग रह गई है और उसके बाद निकलते हैं हम घर से और मैं आपको अपनी फुल लुक ज़रूर शेयर करूँगी। सो आप लोग फुल लुक देखने के बाद कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि मैं कैसी लग रही हूँ। अभी हम मैरिज हॉल के लिए निकल चुके हैं क्योंकि हम बहुत ज़्यादा लेट हो चुके थे। सो हमने भाई को कहा कि हमें मैरिज हॉल तक छोड़ आएँ और ये हमारी क्यूट सी परी। खैर अभी हम जा रहे हैं मैरिज हॉल और मैरिज हॉल जाकर आपसे मिलते हैं। फाइनली हम मैरिज हॉल वगैरह पहुंच चुके हैं और अभी चलते हैं अंदर। सो हम हॉल वगैरह के अंदर आ चुके थे और हम सबसे ज़्यादा लेट थे और कुछ लोग अभी आ भी रहे थे। और असल में ना हमारे गांव में ये सीन होता है कि लेडीज़ बिल्कुल अलहदा होती है और जेंट्स बिल्कुल सेपरेट, तो थोड़ी देर बाद ही ब्राइड की एंट्री हो चुकी थी। तेरे नाम दावे। सो ब्राइड की एंट्री के बाद स्टेज पे एकदम इतना ज़्यादा रश हो गया था, मैं दूर से वीडियो बना रही थी। फिर मैं सोचा कि मेरा मैं भी स्टेज पे जाके वीडियो बनाऊँ। खैर फिर मैं स्टेज पे अपनी बाबा जान के साथ आई और बैठे कुछ क्लिप्स वगैरह बनाए और कुछ पिक्चर्स वगैरह क्लिक की। सो फिर थोड़ी देर बाद खाना वाना खुल गया था और सारे लोग खाना खाने में मसरूफ़ और साथ ही साथ मेरी मामा बैठी हुई थी। सो उन्होंने प्लेट में राइस डाले और मैं उनकी प्लेट में से ही खाना खा रही थी। खैर वो मुझे डांट रही थी कि बंदा अपनी प्लेट में भी कुछ डाल लेता है। सो मेरे साथ एक आंटी आकर बैठी थी, शी इज़ ऑल्सो व्लॉगर, एंड एक साइड पर मेरी मामा जान बैठी हुई थी। खैर हमने खाना वाना खा लिया था, ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा मज़े का खाना था और साथ ही साथ दूल्हा भाई भी आ गए और उसके बाद दोबारा से करवाई दुल्हन एंट्री। सो शादी वादी सारी अटेंड करके हम आ गए थे हॉल से बाहर। सो असल में मेरे फ़ोन की हो गई थी बैटरी डेड, सो मेरे साथ बहुत बुरे वाला सीन हुआ, मैं व्लॉग आगे कंटिन्यू ही नहीं कर पाई। खैर फिर मैंने बाद में लिया किसी और से फ़ोन अपना व्लॉग कंटिन्यू करने के लिए। खैर यहाँ पे मामू जान और मामा आपस में गॉसिप्स कर रहे थे तो मैंने सोचा क्यों ना अब शादी ख़त्म हो गई तो मामा को दिखाई दिया जाए कैसी लग रही हैं।
खैर उसके बाद रुखसती का टाइम हो चुका था और अल्हम्दुलिल्लाह रुखसती वगैरह हो गई थी और ये है दूल्हे भाई की गाड़ी और बाकी सारे अभी घर जा रहे हैं अपने। हम घर वगैरह आ गए थे और मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा डाउन थी जिसकी वजह से मैं सो गई थी और व्लॉग आगे कंटिन्यू नहीं कर सकी। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग। मेरा पूरा व्लॉग देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट टाइम मिलते हैं इंशाल्लाह।